और हायर प्राइस पे बेचो। अब कैसे आप अपनी जो एनएफटी है वो फ्री में बना सकते हो, फ्री में सेल कर सकते हो। अब जो मैं आपको पेंटिंग दिखाने वाला हूँ, ये बिकी थी $50,000 की। ये तो था रियल लाइफ, बट आजकल रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हाँ जी, ये वाली जो फोटो है ये बिकी थी $69 मिलियन की, और ये वाली जो फोटो है ये बिकी है $532 मिलियन की। इसके बाद ये जो बंदर वाली फोटो है ये बिकी है $2.7 मिलियन की, और ये वाला बंदा अपनी जो सेल्फीज है वो बेच बेच कर $1 मिलियन कमा रहा है। इसके बाद मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ही बोल दिया कि भाई मम्मी, मैं अपनी सेल्फीज वगैरह बेचूंगा और $1 मिलियन कमाऊंगा। तो मम्मी भी मजे लेते हुए कह रही है कि भाई दाढ़ी उड़ा के बेच, ज्यादा महंगी बिकेगी। ऑन अ सीरियस नोट, आप किसी भी नॉन टेक्निकल बंदे से ये चीज पूछोगे या फिर ये चीज बोलोगे तो वो आपको पागल ही समझेगा। और मम्मी ने ये भी कहा कि भाई चल 1% तेरी फोटो किसी को पसंद भी आ गई, ठीक है, उसके बाद वो बंदा परचेज क्यों करेगा, या तो डाउनलोड करेगा या फिर स्क्रीनशॉट लेगा। बट आजकल ऐसी ही फोटोज एनएफटी के रूप में बेचकर लोग तगड़ा माल कमा रहे हैं। तो क्या आप भी ऐसे ही एनएफटी के रूप में बेचकर अपनी जो फोटोज हैं या फिर कोई भी क्रिएटिव चीज आप बेचकर आप तगड़ा माल कमाना चाहते हो? पैसा ही पैसा होगा। आजकल आप मेटावर्स, क्रिप्टो, एनएफटी, ऐसी कुछ चीजें आप काफी ज्यादा सुन रहे होगे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इसी तरीके से बात करेंगे, इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो है कि भाई एनएफटी क्या है, और ये जो लोग हैं ये कौन है, और क्यों इतनी महंगी महंगी फोटोज वगैरह खरीद रहे हैं, और इसके बाद इन फोटोज का करेंगे क्या, और क्या आप भी ऐसी फोटोज वगैरह बेच बेच कर माला माल हो सकते हो, और फ्री में कैसे अपनी एनएफटी बना के सेल कर सकते हो। तो फटाफट चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ भी समझ आए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा है कि फेब एंड तक मेरे 10K सब्सक्राइबर्स आप लोग जरूर करवा दोगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, इसका एक एक टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड है, तो अगर आप किसी भी पार्ट को स्किप करते हो तो कुछ हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ना पता हो वो मिस हो जाए। तो इसलिए अगर आप इसको पूरी देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, और पूरी देखने के बाद अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। सो ये एनएफटी चीज क्या है? एनएफटी बोले तो नॉन फंजिबल टोकन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेंटिंग है ये 500 करोड़ में बिकी एनएफटी के थ्रू। इसके बाद ये बंदे ने अपना पहला ट्वीट 18 करोड़ में बेचा एनएफटी के थ्रू। तो ये एनएफटी चीज क्या है ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले आप एक लाइक ठोको। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आपने एग्जीबिशन वगैरह देखी होंगी, उसके अंदर कुछ पेंटिंग्स, कुछ आर्टवर्क ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं और काफी यूनिक होते हैं, और वो ऑक्शंस में लाखों करोड़ों के बिकते हैं। जैसे मजनू भाई ने अपनी पेंटिंग बेची थी, वैसे ही आजकल जो महंगी महंगी पेंटिंग्स है, महंगे महंगे आर्टवर्क है, उसको आप डिजिटली बेच सकते हो और डिजिटली ही खरीद सकते हो एनएफटी के थ्रू। अब डिजिटल वर्ल्ड में आपको जो पेंटिंग है या फिर आर्टवर्क है वो तो मिलता नहीं, बट उसकी जगह पे आपको एक टोकन मिलता है, यानी कि एनएफटी मिलता है। और जब तक आपके पास वो टोकन है, तब तक आप उस आर्टवर्क या फिर पेंटिंग वगैरह के ओनर हो, चाहे आपने परचेज करी हो या फिर खुद क्रिएट करी हो। बेसिकली ये जो नॉन फंजिबल टोकन है, इसके अंदर नॉन फंजिबल मीन्स इरिप्लेसिबल, और टोकन मीन्स प्रूफ ऑफ ओनरशिप। देयरफॉर ये जो एनएफटी है, इसका कंप्लीटली मीनिंग क्या बनता है? इरिप्लेसिबल चीज का प्रूफ ऑफ ओनरशिप। एनएफटी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ये भी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी है। और ऐसे ही जैसे अगर आप देखोगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सामान वगैरह खरीदने बेचने के लिए है और सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, और ऐसे ही एनएफटी की ट्रेड के लिए कुछ और पॉपुलर, कुछ और स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से आपने काफी सारों का नाम सुना भी होगा। थोड़ा और ढंग से समझने के लिए हम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हैं। सो वजीरेक्स हम सबने सुना है, ऐसे ही एनएफटी के लिए वजीरेक्स एनएफटी है, जो वजीरेक्स का ही प्लेटफॉर्म है। तो इसके ऊपर अगर आप जाओगे, तो यहाँ पर अगर आप डिस्कवर पे टैप करोगे, तो डिस्कवर पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे एनएफटीज देखने को मिल जाते हैं, जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जो सेल करने के लिए लगा रखे हैं। तो किसी भी एक की छानबीन करते हैं, जैसे कि ये बढ़िया लग रहा है, कॉर्पोरेट डूड, ओके। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें हिस्ट्री दिखाता है हर चीज़ की, कि किसने खरीदा, किसने क्रिएट करा, उसके बाद किसके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ, और मतलब ये सब कुछ दिखाता है कि इसमें जो भी अगर आप आगे ये ट्रांसफ़र होगा तो वो भी आपको इसमें दिखाना शुरू कर देगा। जैसे कि ये जो मिंट है, ये करा था शिमिज़ू आर्ट ने, उसके बाद लिस्टेड भी इसी ने करा, ऑब्वियस सी बात है, और ट्रांसफ़र इसको हुआ है, ये कब हुआ, 2 फरवरी 2022 को। तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब आज ही ट्रांसफ़र हुआ है, ओके। यहाँ पर ये हुआ है मिड्सवर्स को, तो ये जो करंट जो ओनर है ये है इसका मिड्सवर्स,
और इसको जो क्रिएट करा था वो करा था शिमिजू आर्ट ने। और अगर आप इसका प्राइस देखना चाहते हो कि कितने पे लिस्ट हुआ, कितने पे परचेज करा गया, तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि 14.81 US डॉलर्स पे इसको लिस्ट करा गया, और जो मिट्सवर्स ने जो परचेज करा वो करा है 9.87 US डॉलर्स पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो फोटो है ये कोई भी बना सकता है या फिर कोई भी किसी और से बनवा सकता है? कितने ले लेगा वो? 200 ले लेगा, 500 ले लेगा, 1000 ले लेगा मैक्स टू मैक्स? इससे ज़्यादा तो इसकी वैल्यू है नहीं। तो ये सोच लो कि आजकल के जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या फिर कॉमिक वर्ल्ड में काम करते हैं, या फिर आजकल देखो यार फोन्स में कितनी सारी एप्लीकेशन आ जाती है और क्या क्या फोटो एडिटिंग हो सकती है उससे, तो आजकल स्कोप इतना ज़्यादा है इस चीज़ में। और NFT का तो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, एंड कहते हैं ना ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि हाउ यू कैन अर्न थ्रू NFT विद द हेल्प ऑफ NFT। मोटे मोटे चार तरीके हैं। पहला तरीका है अपनी खुद की NFT बनाओ, उसके बारे में मार्केटिंग करो, उसका बज क्रिएट करो और हायर प्राइस पे बेचो। एंड आजकल तो क्रिएटर्स को काफी ज्यादा फायदा है, NFT के क्रिएटर्स को काफी ज्यादा फायदा है, बिकॉज जैसे कि जैसे वो आगे बिकती रहती है ना, जैसे एक ने ली दूसरे ने ली, तो जैसे ही दूसरा बंदा उसको सेल करेगा ना आगे, तो उसकी कुछ ना कुछ रॉयल्टी, कुछ ना कुछ परसेंटेज वो जो क्रिएटर है, ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसको मिलता है, तो क्रिएटर्स को तो काफी ज्यादा फायदा है। दूसरा, अगर आपको अपनी जो NFT है वो नहीं क्रिएट करनी है, तो किसी और के NFT सस्ते में खरीद कर जो मार्केट प्लेसेस है उसके ऊपर जाके उसको महंगे में बेच सकते हो। सो इन शॉर्ट NFT की ट्रेडिंग करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। थर्ड वन इज टू बिकम अ NFT डिजाइनर, मतलब आप freelancing.com या फिर fiverr.com जैसी वेबसाइट्स पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और दूसरों के लिए NFT बना सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप उन क्रिप्टोकरेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो NFT से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर काम कर रही हैं, जैसे कि डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स एक्सेट्रा। और ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी खुद की अच्छे से रिसर्च करके तभी इन क्रिप्टोकरेंसीज में इन्वेस्ट करना, बिकॉज ये काफी ज्यादा रिस्की काम होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में जरूर इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज आजकल NFT का ट्रेंड चल रहा है तो सबको पता तो लगना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग नॉलेज एफर्टलेसली।